सत्र 2022-23 में आपके कितने एग्ज़ाम होंगे, कब कब होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे और इनके नंबर कैसे लगेंगे, रिजल्ट कैसे बनेगा, सब कुछ चेंज कर दिया है। कोरोना के बाद दिल्ली शिक्षा विभाग ने काफ़ी कुछ परिवर्तन कर दिया है, तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। इस वीडियो में क्लास 3rd से लेकर के 8th क्लास तक का असेसमेंट गाइडलाइन शेयर करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि बाद में आप भूल जाते हैं। और अगर आपको इसी तरह से सारी जानकारी लगातार मिलती रहे, आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पे आप देखो ये सर्कुलर है 1/7 यानी कि 1 जुलाई आज का, और एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट गाइडलाइन फॉर क्लास 3rd, 2nd, 9th एंड 11th सेशन अकेडमिक सेशन 2022-23 सिर्फ क्लास 3rd से लेकर के 8th तक बताऊंगा, बाकी 9th का अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड 11th का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्लास 3rd से लेकर के 8th तक सेम रहेगा। 9th का अलग पैटर्न होता है एंड 11th का अलग पैटर्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई जो भी है हम ये चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एंड CBSE के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ा क्लास सभी के लिए, 8th तक के लिए एंड 9th एंड 11th के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी है कि भैया मिड टर्म एग्ज़ाम आपका कब कब होगा। तो यहाँ पे देखो, इन द एकेडमिक सेशन 2020-23 मिड टर्म एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। ध्यान से सुनो, जो भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे, सबसे पहले और क्लियर कर दूँ कि इस बार आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 बार होंगे, और एग्ज़ाम आपके 2 ही बार होते हैं। एक एग्ज़ाम को कहते हैं मिड टर्म यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसे हम टर्म 1 भी कहते थे, और ये आपके बीच में होता है, और दूसरा एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम, जिसे कि हम फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम और वार्षिक परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो पहली जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो सितंबर अक्टूबर में होगी, क्लियर है, ध्यान रखना, कहीं छुट्टी नहीं करनी इस दौरान। एंड कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फरवरी एंड मार्च, यानी कि फरवरी मार्च में आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे एंड अर्धवार्षिक परीक्षा होगी सितंबर अक्टूबर में। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले पर सिलेबस पे इन्होंने फोकस किया है कि सिलेबस आपको शेयर कर दिया, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस का सिलेबस तो शेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक वीडियो का है, आप अपना PDF में सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्लास 3rd से लेकर के 8th क्लास तक की बहुत जल्दी सिलेबस आ जाएगा, तो जैसे सिलेबस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए यहाँ पे देखो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर दी है कि किस किस बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, जो भी एग्ज़ाम होगा वो 3rd से लेकर के 9th क्लास तक अलग टाइप का होगा। और यहाँ पे देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ MCQ, तो आपकी समझ को समझने के लिए MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन होंगे एक सवाल के, कोई एक ही सही होगा और उसके बेस पे आपको मिलेंगे 40%, यानी कि 40% मार्क्स आपके इसी बेस पे लगेंगे। एंड कुछ होगा भाई सोर्स बेस होगा, केस बेस होगा, कुछ समझ वाले सवाल होंगे। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 1 वर्ड हो सकता है, लाइक हमारे देश का क्या नाम है, सिंपल सा सवाल है, आपने लिख दिया भारत, तो 1 वर्ड आप लिख देंगे तो इस बेस पे आपके 20% मार्क्स लगेंगे। एंड शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कुछ छोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ बड़े बड़े से होंगे, तो यहाँ पर आपको 40% वो भी लगेगा। टोटल आपका 40, 40, 80 एंड 20, 100 मार्क्स आपका ये रहेगा। ये क्लास 3rd से लेकर के 8th क्लास तक है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है कि जो भी, हालांकि ये 10th क्लास के लिए है, लेकिन अगर आप 8th क्लास में किसी भी 3rd लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं तो आप 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसलिए आप अभी से अपने सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करके रखिए ताकि ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी और आप सारे सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। अब काफ़ी कुछ इन्होंने क्लियर किया है कि भाई हमने चेंज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सर्वे किया है और उन्होंने कहा कि भाई किस किस बेस पे आपके एग्ज़ाम होंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि टर्म वाइज वेटेज क्लास 3rd to 8th, तो आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म आपका सितंबर अक्टूबर में, सेकेंड टर्म आपका फरवरी मार्च में होगा। 5 नंबर पीरियडिक के होंगे, 5 नंबर मल्टीपल असेसमेंट पोर्टफोलियो एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट, यानी कि 20 और 20 नंबर आपके फर्स्ट टर्म में लगेंगे
टीचर्स के पास है, छोटे मोटे आपके यूटी वगैरह होंगी, यूटी टेस्ट होंगे, आपके टीचर जो है आपके सब्जेक्ट टेस्ट लेंगे, कई बार आपको ब्लैक बोर्ड टेस्ट हो सकता है, कई बार क्लास टेस्ट हो सकता है, कई बार होमवर्क आपका हो सकता है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें चेक करनी होंगी। क्लासेज देखी जाएंगी, कितना आप अच्छे से पढ़ते हो, कैसे अच्छे आपने कॉपीज़ बनाई हैं, कैसे आपका टीचर्स के साथ बिहेवियर है, कई बार ओरल टेस्ट भी टीचर्स ले लेता है, तो ओवरऑल आपका ये 20 नंबर का लगेगा। एंड जो आपका सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपका 50 नंबर का एसए वन टर्म वन एंड 50 नंबर का सेम टर्म टू, तो टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स समझ में आ गए। अब देखो यहाँ पर ये किस तरह से होंगे, तो 40 नंबर तो भैया टीचर्स के पास है, टीचर्स के पास आपके 40 नंबर हैं, बस टीचर्स के साथ कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है, फ्रेंड्स के साथ कनेक्टिविटी है, कितना अच्छा आप काम करते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं, यूटीज में कितने अच्छे नंबर आए हैं, टेस्ट जब टीचर्स ने ले लिया था तो आपने कितना अच्छा उसमें किया, सब कुछ आपका 40 नंबर टीचर्स के हाथ में। तो भैया मिस मत करना 40 नंबर को। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ 9 के लिए, काफ़ी कुछ 11 के लिए, तो मैं सीधा चलता हूँ क्लास 3rd to 8। अब यहाँ पे आप देखो कि क्लास 3rd to 8 में क्या होगा, जो भी आपके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपको बुनियाद पे भी असेसमेंट आपका हो सकता है, बुनियाद से रिलेटेड भी आपकी मार्क्स मिल सकते हैं, आपके जो है वो यूटीज वगैरह हो सकती हैं, जल्दी से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। एंड जो भी आपके ग्रेस लगेंगे, ग्रेस होता है ना रिपोर्ट कार्ड में, तो रिपोर्ट कार्ड में आप दिखाते हो कि भाई आपका A1 ग्रेड है, तो देखो 91 से 100 अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आपको A1 ग्रेड मिलेगा, इसी तरह से 81 से 90 आए तो A2 B1 B2 C1 C2 और DE, इस तरह से आपके ग्रुप लगेंगे। एंड यहाँ पे देखो असेसमेंट किस तरह से होगा। एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने नई ऐड की है जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, असेसमेंट ऑफ माइंडसेट कैरिकुलम फॉर क्लास 3rd to 8, यानी कि इस बार आपका एक नया एग्ज़ाम होगा, दो नए एग्ज़ाम होंगे, उनका नाम होगा हैप्पीनेस एंड देशभक्ति कैरिकुलम। आपके पास हैप्पीनेस की बुक है, बुक नहीं है लेकिन टीचर्स आपको एक्टिविटी करवाते हैं, पढ़ाते हैं और बहुत ही स्टोरी वगैरह होती है, तो उन सभी को ध्यान से समझना क्योंकि इनका भी एग्ज़ाम होगा एंड देशभक्ति का भी आपका एग्ज़ाम होगा, ये दोनों टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको देशभक्ति और हैप्पीनेस में सबसे अच्छी क्या लगती है, देशभक्ति या हैप्पीनेस, रीज़न भी बताएं कि क्यों लगती है। अब आपको देखो इनका भी एग्ज़ाम होगा, हैप्पीनेस एंड देशभक्ति किस तरह से होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10 नंबर आप फर्स्ट टर्म में लगेंगे आपको, और 20 नंबर फर्स्ट टर्म में लगेंगे, सेम आपका 50 नंबर का फर्स्ट टर्म, 50 नंबर का सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा। एंड इस बेस पर आपको ग्रेडिंग होगी आपकी, रिपोर्ट आपके मार्कशीट बनेंगे, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में आपको प्राइज भी हैप्पीनेस एंड देशभक्ति में मिल सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि वेटेज ऑफ फर्दर नो वेटेज ऑफ द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट टू नेक्स्ट हायर क्लासेज, यानी कि EMC एंड देशभक्ति के जो मार्क्स होंगे ना वो आपके रिपोर्ट कार्ड में हो सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, प्राइज मिल सकता है, बट इसके मार्क्स के कारण आप पास या फेल नहीं होंगे। मान लीजिए आप देशभक्ति में फेल हो गए या हैप्पीनेस में फेल हो गए, तो आपको यहाँ पर फेल और पास ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस में पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है ध्यान से और पढ़ना है। बाकी ये था असेसमेंट गाइडलाइन क्लास 3rd से लेकर के 8th तक। कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। धन्यवाद।